लास्ट रिलेशनशिप को लेकर छलका प्रियंका चोपड़ा का दर्द, पुराने रिलेशनशिप को लेकर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, खुद को बताया रिलेशनशिप में डोर मेट। हेलो एंड वेलकम, मैं हुदामिनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज और फिल्मों को लेकर लगातार लाइमलाइट में बनी हुई हैं। तो वहीं एक्ट्रेस ने अब कह दी है कुछ ऐसी बात जिसे जानने के बाद बॉलीवुड में हलचल तेज हो गई है। जी हाँ, दरअसल एक्ट्रेस ने अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी तोड़ी है, साथ ही उस रिलेशनशिप में एक्ट्रेस ने खुद को टूरमेट बताया है। तो आइए आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस ने आखिर क्या कुछ कहा। बता दें कि हाल ही में जब एक्ट्रेस से रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा गया और उनसे ये सवाल किया गया कि क्या उनका रोमांटिक पार्टनर चूज करने का कोई पैटर्न है, तो एक्ट्रेस ने इसके जवाब में कहा, मैं एक के बाद एक रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ, सभी रिश्तों के बीच खुद को बिल्कुल भी समय नहीं दिया है। मैंने हमेशा उन एक्टर्स को डेट किया है जिनके साथ मैंने काम किया है या उनसे मैं सेट पर मिली हूँ। मैं सोचती थी कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और मैं उसकी तलाश करती रही। लोग मेरी जिंदगी में आए, उन्हें अपने रिलेशनशिप के आइडिया में फिट करती रही। साथ ही एक्ट्रेस ने उन गलतियों के बारे में भी बताया जो उन्होंने अपने पिछले रिलेशनशिप में दोहराई थी। एक्ट्रेस ने कहा कि वो अपने पिछले रिलेशनशिप्स में खुद को डोरमैट की तरह महसूस करती थी। उन्होंने कहा, गलतियों को दोहराना हमेशा ऐसा महसूस करा रहा था कि मुझे केयर टेकर बनने की जरूरत है। मुझे हमेशा ये महसूस होता रहा कि मेरे जॉब या मेरी मीटिंग के बीच मीटिंग कैंसिल कर देना ठीक है। ये मेरे दिमाग में इतने लंबे समय से नॉर्मल हो गया था कि ये एहसास खत्म हो गया है कि मैं कभी भी अपने लिए खड़ी नहीं हुई। बता दें कि एक्ट्रेस ने निक जोनस के साथ साल 2018 में शादी की थी। एक्ट्रेस अपने पति निक जोनस के साथ अपनी मैरिड लाइफ को फुल एंजॉय कर रही हैं, जिसकी झलक वो आए दिन सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। बता दें कि प्रियंका और निक की एक बेटी भी है। अब प्रियंका चोपड़ा का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। वेल, प्रियंका चोपड़ा के स्टेटमेंट में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट इंडिया। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।